नमस्कार दोस्तों, एमसी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस क्लास में हम झारखंड सामान्य ज्ञान के 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने जा रहे हैं। ये ऐसे सीरीज का सेट 12 है, 12वां सेट है। सेशन को शुरू करने से पहले पिछले सेट 11 का अभ्यास प्रश्न का उत्तर हम जान लेते हैं। सेट 11 का अभ्यास प्रश्न था, झारखंड में पतरातू ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है। ऑप्शंस था ए रांची, बी बोकारो, सी रामगढ़, डी धनबाद। इसका सही उत्तर है रामगढ़। आप सबों ने बढ़ चढ़कर उत्तर दिया, उनमें कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सभी के आंसर सही थे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे अभ्यास प्रश्न के उत्तर जरूर दीजिए, इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न एक है, संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया था। 2002, 2003, 2004, 1996। इसका सही उत्तर है 2003। 2003 में जो है संथाली भाषा को, साथ में मैथिली को भी 2003 में ही 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। प्रश्न संख्या दो है, झारखंड की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है। 463 किलोमीटर, 634 किलोमीटर, 380 किलोमीटर, 396 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है 463 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई, और इसकी लंबाई जो है वो 380 किलोमीटर है। मतलब उत्तर से दक्षिण तक की बात करें अगर, तो उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 380 किलोमीटर है, और चौड़ाई जो है 463 किलोमीटर है। 463 उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 380 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 463। इस तरह से ये आयताकार जो है हमारा राज्य झारखंड है। प्रश्न तीन है, झारखंड बनते समय राज्य में कितने जिले थे। 16, 18, 20, 22। सही उत्तर है 18। बिहार के 18 जिलों को अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया था। बाद में इसमें 6 जिले बने, और अब जो है झारखंड में कुल 24 जिले हैं, जो कि आप सबों को पता होगा। सबसे नया जिला जो बना है वो रामगढ़ है, सबसे बाद का जिला। प्रश्न चार, झारखंड के 12वें राज्यपाल कौन बने हैं। द्रौपदी मुर्मू, श्री रमेश बैस, सीपी राधा कृष्णन, श्री संतोष गंगवार। झारखंड के 12वें राज्यपाल हैं श्री संतोष गंगवार। उससे पहले सीपी राधा कृष्णन थे जो कि 11वें थे, रमेश बैस जो थे वो 10वें थे, और द्रौपदी मुर्मू 9वें राज्यपाल का काम किया था उन्होंने, और वो सबसे लंबे समय तक झारखंड राज्य की राज्यपाल थी। अभी वर्तमान में जो 12वें राज्यपाल हैं श्री संतोष गंगवार, वो झारखंड के राज्यपाल हैं। प्रश्न पांच, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है। रामगढ़, गोड्डा, पलामू, लोहरदगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से रामगढ़ जिला जो है झारखंड का सबसे छोटा जिला है, रामगढ़ जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो है पश्चिमी सिंहभूम, तो ये ध्यान रखिएगा आप। प्रश्न छह, झारखंड की उपराजधानी कहाँ है। दुमका, देवघर, जमशेदपुर, बोकारो। झारखंड की उपराजधानी दुमका को बनाया गया है। प्रश्न सात,
झारखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जनजाति की संख्या सबसे कम है? बंजारा, खोंड, बथुड़ी, कोल। खोंड जनजाति की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम थी। मात्र 221 लोग खोंड जनजाति में सम्मिलित हैं। इसका मतलब है कि जितनी अनुसूचित जनजाति का पॉपुलेशन है झारखंड में, उसका 0.003% जो है वो खोंड जनजाति का है। 0.003%, बहुत कम हुआ, बहुत ही कम हुआ। तो खोंड 221 लोग ही हैं इस थे उस समय। अभी की वर्तमान स्थिति तो अब जो नवीनतम आंकड़े आएंगे उसके हिसाब से कुछ परिवर्तित हुआ होगा, पर 2011 की जनगणना के अनुसार खोंड जनजाति की जनसंख्या 221 थी। प्रश्न 8 है, झारखंड में कितनी आदिम जनजातियां निवास करती हैं? संख्या नहीं पूछ रहे हैं, कितने तरह की आदिम जनजातियों के बारे में पूछा जा रहा है। ए 6, बी 8, सी 12, डी 4। 8 आदिम जनजातियां, 8 तरह की आदिम जनजातियां जो है निवास करती हैं झारखंड में। प्रश्न 9, झारखंड में कृषि ऋण माफी योजना कब शुरू किया गया था? 1 फरवरी 2021, 14 मार्च 2021, 15 अगस्त 2021, 15 नवंबर 2021। सही उत्तर है 1 फरवरी 2021 को झारखंड में कृषि ऋण माफी योजना शुरू किया गया था, 1 फरवरी 2021 को। अगर आपने अभी तक MC एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लगता है कि ये परीक्षा की तैयारी के लिए उपयोगी है, तो आप इसको जरूर लाइक कर दीजिए। MC एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आप जो है अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में इस चैनल को के लिंक को भी जो है शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो के लिंक को भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही आप उन्हें बता सकते हैं कि इसमें क्या ये अच्छा है, क्या बुरा है, कैसा है। तो ये जो है आप अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। प्रश्न 11, झारखंड में मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना कब शुरू किया गया था? मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना 15 नवंबर 2008, 15 नवंबर 2011, 15 नवंबर 2015, 15 नवंबर 2020। सही उत्तर है मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना 15 नवंबर 2015 को। झारखंड में मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के अंतर्गत कितनी राशि बालिकाओं के नाम पर सावधि जमा खाता में जमा किए जाते हैं? 2000, 1000, 3000, 5000 रुपए। सही उत्तर है इसका 2000 रुपए। 2000 रुपए कक्षा 6 में, जो कि 9वीं कक्षा में जब बच्चियां चली जाएंगी फिर वो निकाल सकते हैं अपने यूज के लिए ये बालिकाएं। तो झारखंड में मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 2000 रुपए जो है सावधि जमा खाता में जमा किए जाते हैं कक्षा 6 में। और जब 6, 7 और 8 तीन साल वो जमा किया जाता है, सावधि जमा का मतलब है कि कुछ मतलब इक्वल इंटरवल पे जमा किया जाता है, तो हर एक साल 2000 रुपए। और फिर वो जो है नौवीं कक्षा में जब वो बच्चियां चली जाती हैं तो वो उसको निकाल करके अपने उसको अपने यूज में उपयोग कर सकती हैं। प्रश्न 13 है, झारखंड को कब मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार मिला था? 2015, 2016, 2017, 2018। सही उत्तर है 2016, 2016 में झारखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार मिला था।
प्रश्न 14, झारखंड में उषा मार्टिन विश्वविद्यालय कहाँ है? रांची, हजारीबाग, बोकारो, जमशेदपुर। रांची में उषा मार्टिन विश्वविद्यालय है। झारखंड में रांची में उषा मार्टिन विश्वविद्यालय है। प्रश्न संख्या 15, झारखंड राज्य का पहला वृत्तचित्र किसके निर्देशन में बनाया गया था? रामदयाल मुंडा, विनायक बनर्जी, राधा कृष्ण, डी एन मजुमदार। राधा कृष्ण के नेतृत्व में निर्देशन में पहला वृत्त चित्र बना था झारखंड राज्य का, मतलब पहली फिल्म, पहला वृत्त चित्र का जो निर्देशक थे वो राधा कृष्ण थे। प्रश्न 16, झारखंड में कितने प्रतिशत संरक्षित वन हैं? 18.58, 19.25, 20.12, 22.40। सही उत्तर है 18.58 संरक्षित वन हैं। 18.58% संरक्षित वन हैं झारखंड में। प्रश्न संख्या 17, झारखंड की किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है? बराकर, अमानत, सकरी, गुमानी। सही उत्तर है सकरी। तो उसको रामायण में सुमागधी नाम दिया गया है, सकरी नदी को। प्रश्न 18, झारखंड बिहार क्षेत्र कुषाण सम्राट कनिष्क के किस क्षत्रप के नियंत्रणाधीन था? देहांग, कुणाल, वंशफर, सत्कर्म। वंशफर जो झारखंड बिहार का क्षेत्र था, वंशफर के कुषाण काल के समय में। प्रश्न संख्या 19, झारक्राफ्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2004, 2006, 2010, 2008। 2006 में झारक्राफ्ट की स्थापना की गई थी, 2006 ईस्वी में। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है प्रश्न 20, झारखंड में संथाल जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है? किली, छपेली, बापला, केवटी। सही उत्तर है बापला। बापला कहा जाता है संथाल जनजाति में विवाह को, विवाह जो होता है उसको बापला कहा जाता है संथाल जनजाति में। अब देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। झारखंड में प्लास्टिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शंस हैं ए रांची, बी बोकारो, सी देवघर, डी धनबाद। आप इस अभ्यास प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बहुत अच्छे से तैयारी करें। आज के सेशन में हमने 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया। पिछले सेशन का जो अभ्यास प्रश्न था उसका उत्तर देखा और एक अभ्यास प्रश्न भी हमने देखा। पुनः वही रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक एमसी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ऑल ऑप्शंस ओपन रखिए ताकि जब भी एमसी एजुकेशन के द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी तत्काल सूचना आपको प्राप्त हो जाए। यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्द हम इसके अगले वीडियो के साथ आपके सामने में प्रस्तुत होंगे, इसकी अगली क्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। थैंक यू सो मच।